एपिसोड के स्टार्ट में टीम को दिखाया जाते हैं जो बीच साइड पे बैठा होता है, और तभी वहाँ पे या टीम के पास आ जाते हैं तो टीम डर जाते हैं और याद से कहते हैं, या तुमने तो मुझे डरा ही दिया। फिर टीम के पास बैठता और कहते हैं, मैं तो तुम्हें खाने के लिए पूछने आया था। टीम कहते हैं, मुझे भूख नहीं लगी, तुम जाकर खा सकते हो, मुझे यहाँ थोड़ी देर खुली हवा में रहना है। फिन कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं खाऊंगा। टीम फिन के हाथों में ड्रिंक देखता है और कहते हैं, ये तुम मेरे लिए लेकर आए हो। और टीम पीने लगता है तो फिन टीम का हाथ पकड़ लेता और कहते हैं, तुम हमारा छोटा सा ट्रेडिशन भूल गए हो, तुम्हें पता है कि ड्रिंक करने से पहले तुम्हें क्या करना है। टीम कहता है कि ये हमारा ट्रेडिशन कब से बन गया। फिन कहता है, ये बस मैंने बनाया है। और फिर फिन अपने चिक्स की तरफ इशारे करके कहते हैं, कम ऑन किस करो मुझे। तो टीम फिन के चिक्स पे किस न करके उसके लिप्स पे कर लेते हैं। फिन टीम के लिप्स पे किस करने से सोख रह जाते हैं और टीम की तरफ देखने लगते हैं। टीम कहते हैं, मैं चिक्स से ऑलरेडी बोर हो चुका हूँ। फिन कहते हैं, टीम तुम नहीं जानती कि ये तुम क्या कर रहे हो। टीम कहते हैं, क्यों क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया। फिन कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन अगर तुम ये सब करना चाहते हो तो तुम शायद आज खाना नहीं खा पाओगे। टीम कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो विन, चलो ना हम खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। और यह कहकर टीम जाने लगते हैं। विन कहता है, मेरा भी वेट करो, मुझे भी भूख लग रही है। और फिर नाइट में दिखाया जाता है वो लोग डिनर करके बाहर आकर बैठ जाते हैं। टीम विन से कहते हैं, तुम्हें पता है आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। फिन कहते हैं, तब तो ये बहुत अच्छा है ना। टीम कहते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा है, और जब ये मेरे साथ पहली बार हुआ था तो मुझे इंसोमिया हो गया था, मैंने इसकी मेडिसिंस भी ली थी, लेकिन जब तुमने मुझे पढ़ाना स्टार्ट किया था, चाहे तुम कितने भी थक जाते थे लेकिन तुम सोते नहीं थे क्योंकि तुम्हें नाइटमेयर से डर लगता था। फिन कहते हैं, और क्या तुम अब सो पाते हो। टीम कहते हैं, मैं अब सोने की ट्राई करता हूँ या, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे साथ सोना स्टार्ट किया है मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। फिन कहते हैं, क्या इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है। टीम कहते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मैं अपने आप को सेफ फील करता हूँ। और फिर टीम विन के शोल्डर पे सर रख लेता और कहता है, मुझे तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल फील होता है। विन कहता है, मुझे भी तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील होता है, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तुम्हें कहीं भी जाने के बारे में नहीं सोचता। टीम कहते हैं, मुझे तुम पे बिलीव नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने एक रेंडम सिचुएशन के साथ ही स्टार्ट किया था। विन कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं ये जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। टीम कहते हैं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ या। और फिर वो दोनों एक दूसरे के फोरहेड को टच करते हैं। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है टीम का स्विमिंग कॉम्पिटिशन होता है, और प्रिंस भी बी का मैच देखने आया हुआ होता है, और टीम मैच जीत जाते हैं और ए और सी सेकेंड और थर्ड रैंक पे आते हैं। तो वह टीम को पुश कर देते हैं और टीम की जगह आ जाते हैं, तो टीम सोख रह जाते हैं। फिर टीम भी उनके साथ चला जाता है और वो तीनों बहुत खुश होते हैं। और नेक्स्ट सीन में बी और प्रिंस को दिखाया जाता है। प्रिंस बी से कहते हैं, बी बस तुम थोड़ा सा वेट और कर लो, फिर जल्दी हमें हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट नहीं रखना पड़ेगा, बस थोड़ा सा वेट और कर लो जब तक कि सब कुछ सेटल नहीं हो जाता और मैं इस इंडस्ट्री में वर्क करना बंद कर दूँगा। बी कहते हैं, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए प्रिंस, और एजे विक्टर वर्क करना ये सब तो तुम्हें पसंद है ना, और क्या हमारे करियर को गिव अप करने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिंस कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें और वेट नहीं करवाना चाहता। बी कहते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री को छोड़ना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम दोनों और हमारे जैसे बहुत से बाकी कपल्स इनको वेट ही करना पड़ेगा जब तक कि ये सोसाइटी कुछ चेंज नहीं हो जाती। और जब वह दिन आएगा तो ये वह दिन होगा जब ये प्रॉब्लम सच में सॉल्व होगी, समझी। प्रिंस कहते हैं,
थैंक यू सो मच बी। बी कहते हैं तो क्या हम लोग दूसरा राउंड करें? और फिर वो दोनों फिर से सेक्स करने लगते हैं। नेक्स्ट डे कॉलेज में मनाव और पीपोर को दिखाए जाते हैं। मनाव पीपोर को अपना फ़ोन देती और कहती, पीपोर प्लीज़ मेरे लिए ये पढ़ो, क्या ये सच है? क्या मैं सही तो पढ़ रही हूँ? पीपोर पढ़ते हुए कहते, पार्स्ते कास्टिंग, क्या क्या तुम्हें सच में रोल मिल रहा है? मनाव कहती, क्या ये नाम सच में सही तो है ना? पीपोर कहते, हाँ ये सही है। और मनाव खुश हो जाती और कहती, मुझे सच में प्ले में रोल मिल रहा है। पीपोर कहते, और मैं तुम्हारा फर्स्ट ऑफिशियल फैन हूँ और मुझे भूलना मत। मनाव कहती, मैं तुम्हें नहीं भूलूँगी क्योंकि तुम मेरे फैन क्लब और मेरे बॉयफ्रेंड दोनों हो। और यह कहकर मनाव पीपोर को हग कर लेती और पीपोर खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में टीम को दिखाए जाते हैं जो बी साइड पे चल रहा होता है। पिंक टीम के पीछे आते हैं और टीम का हाथ पकड़ कर कहते हैं, तुम फिर से यहाँ अकेले घूमने आ गए? टीम कहता है, ऐसा नहीं है टीम, मैं बस कुछ सोच रहा था। पिंक कहता है, और तुम क्या सोच रहे थे, मुझे भी बताओ। टीम कहता है, मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा था और कल के बारे में सोच रहा था और उसके नेक्स्ट डे क्या होने वाला है उसके बारे में सोच रहा था और वंडर कर रहा था कि ये कैसा होने वाला है। विन कहते, और तुमने जो फ्यूचर देखा है वो कैसा लगा जो तुम्हारे माइंड में है? टीम कहते कि ये तो मुझे नहीं पता हिया, लेकिन वहाँ तुम हमेशा मेरे साथ होंगे। विन कहते, तब तो हम दोनों की सोच मिलती है। और क्या तुम रेडी हो? टीम कहते, मैं किस लिए रेडी हूँ? तो विन टीम को गोद में उठा लेते हैं। टीम कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो हिया, मैं खुद अपने आप चल सकता हूँ। तो विन स्माइल करते हैं लेकिन टीम को नीचे नहीं उड़ता था। और फिर हमें पाम और डीन को दिखाए जाते हैं जो बीच साइड पे चल रहे होते हैं। और पाम कहते हैं कि मुझे ये बीच बहुत पसंद आया और यहाँ की वेव्स, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आती है और इनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। डीन कहते हैं, और मुझे भी। पाम कहते हैं, तुम्हारा मेन बीच से है? डीन कहते हैं, नहीं, जिसको यह बीच पसंद है मुझे वो पर्सन पसंद है। तो पाम साय फील करने लगते हैं। डीन कहता है, जब हम लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे तो हम दोनों का शेड्यूल अलग अलग होगा, मुझे वर्क करना होगा और तुम्हें भी बाकी दूसरे काम करने होंगे, और जब वह दिन आएगा तो मुझे डर लग रहा है कि। पाम कहता है, इट्स फाइन डीन, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। डीन कहते हैं कि जब इस टाइम हमारा ब्रेक होगा तो हम दोनों तुम्हारी मोम से मिलने अमेरिका साथ में चलेंगे। पाम कहते हैं, पी डीन। डीन कहते हैं कि हम लोग जाकर वहाँ पे शादी करेंगे जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। और डीन पाम का हाथ पकड़ता और कहते हैं, प्लीज़ पाम, मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करना कभी बंद नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक प्रूफ चाहता हूँ ताकि मैं अपने प्यार तुमसे शो कर सकूँ और मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर टेक केयर करना चाहता हूँ। पाम कहते हैं, आई लव यू पेडिन। पेडिन कहते हैं, जितना तुम मुझसे प्यार करते हो मैं भी उतना ही करता हूँ। पाम कहते हैं, शायद मैं तुमसे ज़्यादा करता हूँ। डीन कहते हैं, सच में? तो तुम्हें फिर प्रूफ करना होगा। और यह कहकर पेडिन पाम के चीक्स पे किस कर लेते हैं और फिर अपने चीक्स की तरफ इशारा करके कहते हैं, तुम भी मुझे किस करने का ट्राई करो। तो पाम करने लगते हैं और पेडिन अपना फेस घुमा लेते हैं तो उन दोनों की लिप किस हो जाती है। पाम कहता है, पेडिन मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं जाकर टीम को देखता हूँ। पेडिन कहते हैं, क्या तुम उसे फाइट बैक नहीं करोगे? तो पाम वहाँ से चला जाता है और पेडिन स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में विनो टीम को दिखाया जाता है। टीम कहते हैं, या प्लीज छोड़ो मुझे। विन कहते हैं, नहीं। टीम कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो या, मुझे उतारो। तो विन टीम को उतार देते हैं। टीम कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे थे या? तो विन टीम का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, थैंक यू सो मच टीम, तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया कि मैं तुम्हारी टेक केयर कर सकता हूँ। टीम कहते हैं, और मैं भी तुम्हारी हमेशा टेक केयर करूँगा हिया, आई लव यू हिया। विन कहते हैं, आई लव यू टू टीम,
और फिर टीम कहते हैं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ हिया। विन कहते हैं, क्या पूछना चाहते हो? टीम कहते हैं, चलो ना हम लोग मिलकर एक स्विमिंग कंपटीशन करते हैं। तो विन यस कह देते हैं और फिर विन और टीम किस करने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पे पाम और डीन आ जाते हैं। डीन विन के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहते हैं, कैसा चल रहा है मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट? विन कहते हैं, और तुम्हारे बारे में क्या, तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। और पाम टीन से कहते हैं, टीम तुम ब्लस कर रहे हो। विन डीन से कहते हैं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरफ देखो। और जब डीन देखता है तो पाम और टीन दोनों मिलकर मस्ती कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे ए और सी दोनों आर्ग्यू करते हुए आ जाते हैं। टीम कहते हैं, तुम दोनों आर्ग्यू करना बंद करोगे? और तभी वहाँ पे प्रिंस और बीवी आ जाते हैं। सी देखते और कहते हैं, ये सब क्या है? बी कहते हैं, जैसा तुम देख रहे हो वही है। तो ए कहते हैं, ओ टेम्पल के डोगी का लेवल अप हो गया है। और फिर वहाँ पे टूल और वन और मनाओ और पीपोर पे आ जाते हैं। डीन पीपोर को देखते और कहते हैं, क्या चल रहा है पीपोर? पाम मनाओ को देखते और कहते हैं, मनाओ? पीपोर कहते हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो सभी लोग हंसने लगते हैं और पाम सुख हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे यूं भी दौड़ता हुआ आता है और कहते हैं, मेरे बारे में क्या? और यूँ आकर विन को हक कर लेते हैं। और फिर टीम कहते हैं कि मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। मनाओ कहती, ऐसा मत कहना कि तुम लोग शादी कर रहे हो। टीम कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बस मैं विन के साथ स्विमिंग कंपटीशन का चैलेंज रखा है। विन टीम के शोल्डर पे हाथ रखता और कहते हैं, क्या तुम श्योर हो कि तुम जीतोगी? टीम कहते हैं, और मैं क्यों नहीं जीत सकता? विन कहते हैं, ठीक है हम लोग देखेंगे। और फिर दिखाया जाता है विन और टीम का स्विमिंग कंपटीशन होता है। टीम विन से कहते हैं, क्या तुम रेडी हो? विन कहते हैं, और तुम्हारे बारे में क्या, तुम रेडी हो? टीम कहते हैं, मैं तो बहुत दिनों पहले से ही रेडी था। और यहीं पे ये एपिसोड और सीरीज दोनों ख़त्म हो जाते हैं। और गाइस ये सीरीज सच में बहुत अच्छी थी और ये सीरीज मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे रिकमेंड की थी। मुझे उसका नाम तो नहीं पता क्योंकि वो मेरे पहले वाले चैनल पे था, लेकिन थैंक्स टू हर कि उसने मुझे ये सीरीज रिकमेंड की और ये मुझे बहुत पसंद आई। और पॉन प्रिंस ये दोनों तो मेरे वन ऑफ द बेस्ट कपल बन गए। और गाइस अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।